हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर सेवन। चैप्टर सेवन है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ओके, और इस चैप्टर के आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखें। पहला क्वेश्चन अपना है, नेम एनी टू वाटर बॉडीज दैट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे पाए जाने वाले हाँ वाटर बॉडीज का नाम लिखना है हमको। तो वाटर बॉडीज मीन्स वाटर का जो सोर्सेस है, जहाँ से हमको पानी मिलता है, उसको हम वाटर बॉडीज कहते हैं। तो अर्थ के सरफेस पे क्या है, ऐसे अपना रिवर और पॉन्ड्स। तो मैंने लिखा है दो, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे आप लेक भी लिख सकते हो। ओके, और आप चाहे तो वेल भी लिख सकते हैं, जैसे कुआं से भी तो हम लोग वाटर मिलता है ना, वेल्स। तो चलिए मैंने दो लिखा है, आप कुछ और भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आइए, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर नोन एज। व्हाट आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर नोन एज। वाटर में रहने वाले एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। राइट नेम्स ऑफ टू सच एनिमल्स, और इस तरह के दो एनिमल्स का नाम हम लोग को लिखना है। तो आंसर मैंने लिखा है, एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, जो पानी में रहते हैं उस तरह के एनिमल को एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। फ्रॉग एंड टर्टल मैंने एग्जांपल लिया, आप और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फिश ले सकते हैं। ओके, और स्टार फिश ले सकते हैं, और ऑक्टोपस का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दो एनिमल का नाम लिखना था, तो बहुत सारे ना ऑप्शन हैं, इसलिए मैंने दो कोई भी चूज कर लिया, बहुत कॉमन है ये सब। आप क्रोकोडाइल भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें से हम लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर हम बढ़ लें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर एम्फीबियस एनिमल्स। यस, एम्फीबियस एनिमल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एम्फीबियस एनिमल्स हम लोग किसको कहते हैं, तो वैसे एनिमल्स ना जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, उसको हम लोग एम्फीबियस एनिमल्स कहते हैं। तो एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड और कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स। हाँ, तो एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड और कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स। बहुत ईजी था, वैसे एनिमल्स दोनों जगह रह सकते हैं, वाटर में भी और लैंड में भी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एम्फीबियस एनिमल्स। क्या कुछ नाम बता सकते हैं, यस टर्टल। हाँ, टर्टल जो है ना अपना एक क्या है ना, टर्टल मेरा एम्फीबियस एनिमल है। ओके, और बात करें तो फ्रॉग, फ्रॉग का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, ये भी मेरा एक एम्फीबियस एनिमल है। और कुछ बताइए, क्रोकोडाइल। हाँ, क्रोकोडाइल। ओके, क्रोकोडाइल भी मेरा एक एम्फीबियस एनिमल है। तो एग्जांपल्स हो गई अपनी, अब हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। राइट नेम्स ऑफ फोर एक्वेटिक प्लांट्स। देखिए एक्वेटिक प्लांट्स के नाम लिखने हैं, यानी कि वैसे प्लांट्स जो वाटर में पाए जाते हैं, वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। क्या क्या आंसर होगा अपना, तो फोर एक्वेटिक प्लांट्स आर एज फॉलोज, लोटस, हाइड्रिला, डकवीट, वाटर लिली। ओके, चार एग्जांपल्स लिखने थे, हम लोगों ने चार एग्जांपल लिखे हैं। हाँ, किसका, तो एक्वेटिक प्लांट्स का। एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स वैसे प्लांट्स जो वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये हो गया अपना फोर, बहुत ईजी था। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और क्वेश्चन फिफ्थ है अपना, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। मीन्स प्लांट्स वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सॉइल से। तो विद द हेल्प ऑफ रूट्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। हाँ, वो अपने रूट्स के हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं, किसको, वाटर को। आप देख रहे हो ना, वाटर कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो रूट्स के हेल्प से हो रहा है। रूट्स कहाँ होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। ओके, और ग्राउंड से वो वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाते हैं, पूरे होल पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पहुँचा देते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट टू कॉमन मेथड्स ऑफ ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर हम किसको कहते हैं, तो अर्थ के अंदर यानी जो अर्थ सरफेस है उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और ग्राउंड वाटर को हम कैसे बाहर निकालेंगे, हाँ, ड्रॉइंग आउट, मेथड्स ऑफ ड्रॉइंग आउट, किस तरह से हम उस वाटर को बाहर निकालते हैं अपने डेली यूज के लिए। तो ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट बाय यूजिंग अ वेल और या ट्यूब वेल,
देखिए ट्यूबवेल और वेल के हेल्प से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। मैंने ये लिखा, क्या आप और दूसरा भी ले सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेहट भी लिख सकते हैं, रेहट के हेल्प से भी हम लोग ग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं। ओके, और ये तो हो गया अपना एग्जाम्पल जिसके हेल्प से हम लोग ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। एंड ऑल्सो अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।